हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी रसोई अड्डा। आज मैं आपको झटपट से बनने वाली मेहमान स्पेशल सोया बरी मिक्स वेज पुलाव की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे हम। जब खड़े गरम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं या अच्छे से फ्राई हो जाएं, तब इसमें हम एक मीडियम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हरी मिर्च के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें कुटी हुई सौंफ ऐड करेंगे। कुटी हुई सौंफ ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम पहले से फूली हुई सोया बरी ऐड करेंगे। ये मैंने पहले से ही पनीर, शिमला मिर्च और गाजर को फ्राई करके पहले ही रख लिया था। अब इसमें तली हुई गाजर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करने के बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अब मटर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें हम 1 कप या 1/2 कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। अब मैं बाजार का बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें धुले हुए फूले हुए पहले से चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने यहाँ पे गुनगुने पानी का यूज किया है। इसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। कभी भी आप पुलाव बनाइए तो उसमें घी जरूर ऐड करिए। फिर हम इसमें पहले से तली हुई फ्राई शिमला मिर्च एंड पनीर ऐड करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद अगर आपको धनिया पत्ती ऐड करना है तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। ये मैंने धनिया पत्ती ऐड की। अब इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। ये हमारा मिक्स वेज पुलाव, सोया बरी मिक्स वेज पुलाव बिल्कुल तैयार है। फटाफट से बनने वाला ये मिक्स वेज पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरे पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।